पतले दुबले लैपटॉप्स का ट्रेंड दबा के चल रहा है और इस चीज को रियलमी वालों ने ना इतना सीरियसली ले लिया, डब्बा तक नहीं छोड़ा इन्होंने। लैपटॉप तो चलो ठीक है, वीडियोस तो बहुत आ गई हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, हम थोड़ा लेट हो गए, आई एम सॉरी। तुम्हारी इतनी डिमांड पे कहने के बाद ना मैंने अरेंजमेंट कर ही लिया रियलमी बुक का, और इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे जो जो तुमने पूछे थे। और जो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता वो इस वीडियो के बाद फॉलो करना, अभी नहीं, अभी वीडियो छोड़ के जाओगे रिटेंशन खराब होगा। चलो डब्बा खोल लेते हैं। तो कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को मिलेगा मैकबुक प्रो, सॉरी रियलमी बुक का, ये निकल गया हमारा लैपटॉप। इसका चार्जर देखो, मात्र 65 वॉट का चार्जर है इसके अंदर, टाइप सी वाला। आजकल ऐसे चार्जर फोन्स के आते हैं, लैपटॉप कैसे चार्ज कर दिया, मतलब रियलमी वालों फुल इंस्पिरेशन ली जा रही है, अब इंस्पिरेशन ही कह सकते हैं। एक टाइप सी टू टाइप सी केबल और थोड़ी बहुत पुस्तकें, वाओ देख रहे हो लुक लैपटॉप की। और लिड भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, वाह भाई वाह वाह, रियलमी तेरे कमाल है, कहीं तो छोड़ देते, कहीं थोड़ा बहुत छोड़ देते ना। चलो कोई बात नहीं, अब हर कोई मैकबुक अफोर्ड नहीं कर सकता तो रियलमी बुक ही सही, गजब बेइज्जती है। देखो यार मजाक की बात साइड में, टू बी ऑनेस्ट 54,000 की है ये आज की डेट में i5 वाली, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जो i3 वेरिएंट है वो 41,000 का है, तो उसमें मैं तो नहीं कहूंगा कोई बेकार चॉइस है। बट हाँ, पूरा रिव्यू करते हैं आज वीडियो में, क्या क्या कमियां हैं क्या क्या खूबियां हैं सारी आपसे शेयर करूंगा, और एंड में बताऊंगा आपको लेना चाहिए या नहीं। चलो इसी बात पे स्पेसिफिकेशन सुन लो, i5 11th जनरेशन प्रोसेसर है, 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला, इंटेल आइरिस एक्सी ऑनबोर्ड ग्राफिक्स आपको इसके अंदर मिलता है, 8 GB रैम है 4 to 6 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड वाली, 512 GB की SSD है, वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2, और इसके अंदर आपको MS Office भी मिलता है लाइफ टाइम के लिए। तो मतलब जिस प्राइस रेंज में आता है उसमें आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप, इतनी बढ़िया लुक, ऊपर से MS Office प्री इंस्टॉल्ड, अभी तक तो इंप्रेस कर ही गया। और ऐसा नहीं है इंस्पिरेशन एक लेवल तक हो, बहुत ज्यादा ली गई है, ये तो रियल ब्लू कलर है, एक इसके अंदर रियल ग्रे कलर भी है जो बिल्कुल ही मतलब मैकबुक। तो चलो रियलमी वालों ने इतनी मेहनत लगाई है, डिजाइन को एकदम मतलब सोचा होगा कि कैसा लैपटॉप बनाएंगे, तो उनकी मेहनत को जरा देख लिया जाए। ये पूरा लैपटॉप आपको एल्यूमिनियम बिल्ड में मिलेगा, कहीं से भी इसके अंदर प्लास्टिक का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, और इस लैपटॉप की थिकनेस सिर्फ 14.9 mm है, और उससे आपको पता लग ही रहा होगा कितना पतला दुबला और एकदम लाइट वेट लैपटॉप है। और इस लैपटॉप का वेट सिर्फ 1.35 kg है, तो मतलब फुल डाइटिंग वाइटिंग करके खाना पीना एकदम पराठे वराठे छोड़ के, मक्खन छोड़ के ये सलाद खा रहा है, और 1.35 kg मेंटेन कर रहा है। आप भी करो, मैं भी कर रहा हूं, बहुत जरूरी है। इसका टॉप लिड फ्लेक्स जो है मुझे उम्मीद नहीं थी, काफी ज्यादा कम है, बिल्ड क्वालिटी के मामले में भाई बहुत बढ़िया है। सिमिलरली कीबोर्ड फ्लेक्स भी काफी ज्यादा माइनर सा आपको इसके अंदर मिलेगा, और हाँ भले टच लैपटॉप नहीं है पर 180 डिग्री, एग्जैक्ट 180 नहीं कह सकते बट हाँ 170 डिग्रीज तक चला जाता है। अब इससे फायदा कितना है कितना नहीं रियल लाइफ में वो तो मुझे पता नहीं, बट थंबनेल के लिए फोटो अच्छी आ जाती है, मैं ऐसे पकड़ के यूं फोटो खिंचवा लेते हैं। मस्त डिस्प्ले, डिस्प्ले डिस्प्ले के बारे में लोगों को बहुत पूछना था, 2K डिस्प्ले है इसके अंदर, कैसी है? तो पहले डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, इसके अंदर 14 इंच की IPS 2K ग्लॉसी डिस्प्ले आपको मिलती है, जिसका 3:2 का एस्पेक्ट रेशियो है, 400 nits की ब्राइटनेस है, 100% sRGB है, और फुल विजन का सपोर्ट इसके अंदर मिलेगा, 60Hz का पैनल है। अब देखो डिस्प्ले तो बढ़िया है, कलर्स वलर्स अच्छे हैं, मैंने सब यूज करके देखा, मतलब जिस रेट में आता है उस रेट में बहुत बढ़िया चीज है, पर ग्लॉसी डिस्प्ले क्यों? अगर OLED होती मान लेते, टच स्क्रीन होती तब भी मान लेते, पर IPS पैनल दिया है तब भी ग्लॉसी एंटी ग्लेयर देना चाहिए था। बट स्टिल जिसका बजट कम है वो ये लैपटॉप के लिए जाना चाहता है, इसका सॉल्यूशन है, एक एंटी ग्लेयर लैमिनेशन आती है लैपटॉप स्क्रीन के लिए, वो आप मार्केट में ट्राई कर सकते हो, वो लगवा लो, सारा ग्लॉसी पना चला जाएगा, ग्लेयर पना आ जाएगा। अब जिस रेट में मिल रहा है कहीं ना कहीं तो सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे आपको। टॉकिंग अबाउट द कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड, बिल्कुल मैकबुक जैसा दिया है, जो इसकी क्लिकिनेस है वो भी बिल्कुल मैकबुक जैसी है, ट्रैक पैड का साइज भी मैकबुक जैसा है, मतलब मोटा मोटा बताऊं तो कीबोर्ड का एक्सपीरियंस मेरे को बहुत सही लगा चलाने में, मतलब मजा आता है, जो टैक्टाइल फीडबैक है, जो क्लिकिनेस है वो बहुत बढ़िया कीबोर्ड की, और ट्रैक पैड का साइज भी अच्छा है, तो यूज करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सस्ते में महंगी मस्ती दी जा रही है, और वो काफी अच्छी लगी मुझे। और हाँ, इसके अंदर सिंगल कलर बैकलिट कीबोर्ड है, व्हाइट कलर की लाइट है, और अंधेरे के अंदर ज्यादा अच्छी दिखाई देती है, रूम में रोशनी हो तो कुछ नहीं पता चलता, तो ठीक है बैकलिट है तो अच्छी बात है। और ये जिसका पावर बटन है ये फिंगरप्रिंट भी है, अब एक बार फिंगरप्रिंट का टेस्ट भी कर लिया जाए, तो यहां पर हमने फिंगरप्रिंट लगाया और ये इंस्टेंटली खुल गया, एक बार और दिखा देते हैं, ये हमने यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाया और इंस्टेंटली खुल गया। तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, रियलमी वैसे मोबाइल फोन भी बनाता है तो फिंगरप्रिंट तो ऑब्वियसली अच्छा होने ही वाला था, इसमें कोई हमें डाउट तो करना ही नहीं था, बट स्टिल टेस्टिंग इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी नहीं था वो, चलो हम यहाँ टेस्टिंग मान लेंगे। पतला दुबला लैपटॉप, छेदों की कर दी है कमी,
छेदों पे नजर मार लेते हैं। लेफ्ट साइड में आपको यूएसबी टाइप सी 3.2 जेन 2 का एक पोर्ट मिलता है और एक यूएसबी टाइप सी थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट मिलता है और राइट साइड में हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो और एक यूएसबी टाइप ए 3.1 जेन 1 वाला पोर्ट मिलता है। अब तुम कहोगे ना तो कोई माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट है, ना ही लैन पोर्ट है, ना ही एचडीएमआई पोर्ट है, तो हम वो सब चीजें कैसे करेंगे इसके साथ। आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, थंडरबोल्ट 4 मिल रहा है आपको 54,000 में। थंडरबोल्ट 4 में आप टाइप सी अडाप्टर लगा सकते हो जिससे आप एचडीएमआई आउटपुट ले लो, लैन का आउटपुट ले लो, उसमें मतलब आप मल्टी हब खरीद सकते हो थंडरबोल्ट वाली, बहुत सारी आती हैं और वो आप इसके अंदर लगा के यूज कर सकते हो। पूरी इंस्पिरेशन ली जा रही है यहां पे भी, कहां से समझ गए। और इसके थंडरबोल्ट पोर्ट से आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो, कोई आपको मॉनिटर लगाना हो, टीवी लगाना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसका वेबकैम टेस्ट और माइक का टेस्ट, मेरे से लगभग 2 फुट की दूरी पर लैपटॉप है तो माइक की क्वालिटी का अंदाजा हो गया होगा। लैपटॉप का वेबकैम कहीं ना कहीं तक मुझे ठीक लग रहा है जिस प्राइस रेंज में आता ही है, और ऑडियो क्वालिटी, माइक की क्वालिटी कैसी है और वेबकैम की क्वालिटी कैसी है वो तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। समझ रहे हो ना, एल्गोरिथम वाली बातचीत तो वो करनी है। और लगे आज स्पीकर टेस्ट भी कर ही लेते हैं। तो देखे आपने डेसिबल्स कितनी लाउड साउंड है, और साउंड लाउड होने के साथ साथ क्रिस्प भी है, बेसी भी है थोड़ी सी, और एकदम जबरदस्त साउंड इसके अंदर आते हैं क्योंकि इसकी जो ऑडियो है वो हार्मन की तरफ से है और हार्मन का तो नाम है ऑडियो के मामले में, तो साउंड क्वालिटी के मामले में एक नंबर भाई, एक नंबर, कोई कमी नहीं निकालूंगा इसके साउंड के अंदर। और जैसे कि ऑडियो हार्मन की तरफ से है तो इसका ये ऑडियो वाला सॉफ्टवेयर आता है जो आपको मैं काफी लैपटॉप्स में दिखा चुका हूं। यहाँ पे मोड चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से और यहाँ पे एक्स्ट्रा ईक्यू वगैरह की सेटिंग मिल जाती है, वो तो आप देख ही लोगे अगर खरीदोगे लैपटॉप तो। और जब सॉफ्टवेयर की बात चली रही है, इसके अंदर एक पीसी कनेक्ट की ऐप भी है, मेरे लैपटॉप में वो चल नहीं रही है, उसके अंदर कुछ अपडेट दिखा रहा है और अपडेट हो भी नहीं रही है, वो कुछ एरर दिखा रहा है, फेल्ड हो रही है, हो सकता है कुछ विंडोज का एरर हो, विंडोज रीसेट वगैरह करनी पड़ेगी। और ये वाली जो ऐप है वो सिर्फ रियलमी के लैपटॉप में सपोर्ट करती है और रियलमी के फोन्स में, एंड्रॉइड फोन वगैरह पूरा एकदम मिरर वगैरह कर सकते हो, फाइल मैनेजर वगैरह खोलना हो, काफी सारे फीचर्स हैं उसे आपके, वो आपने दूसरी वीडियोस में देख ही लिया होगा, तो वो आप इस साथ कर सकते हो। मतलब यहाँ पे भी पूरा इंस्पिरेशन लिया जा रहा है, एप्पल इकोसिस्टम की जगह रियलमी इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। अच्छा इनिशिएटिव है, हम इस चीज में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मैं तो कहूंगा ऐसी ऐप्स आनी चाहिए कि आपका एंड्रॉइड आपके विंडोज प्लेटफॉर्म से इतना बढ़िया तरीके से मैनेज हो जाए जिससे आपका एक्सपीरियंस हैसल फ्री रहे, जैसे एप्पल में होता है मैकबुक है, आईफोन है, एयरपॉड्स है, तो वो उससे काफी मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाता है। मैंने देखा लोगों को यूज करते हुए, अभी तो मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूं, तुम्हारी दुआ रहेगी तो वहां भी पहुंच जाएंगे बहुत जल्द। आपको अपग्रेड ऑप्शंस के बारे में बताता हूं, इसके अंदर कोई भी रैम स्लॉट नहीं है तो आप इसके अंदर कोई रैम अपग्रेड नहीं कर सकते। 8GB रैम के साथ ये आता है और i3 वाला भी 8GB रैम के साथ आता है, 8GB तक ये सीमित है। दूसरी चीज, इसके अंदर सिंगल SSD स्लॉट है जिसके अंदर आप मैक्सिमम 1TB तक SSD लगा सकते हो। ये भी मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं क्योंकि इंटेल के जो थिन एंड लाइट वाले लैपटॉप है वो मैक्सिमम 1TB तक SSD सपोर्ट करते हैं, बाकी आपको एक्सटर्नल लगानी पड़ेगी। थंडरबोल्ट का सपोर्ट है ही और टाइप सी का सपोर्ट है तो SSD वगैरह आप खरीद सकते हो, तो अपग्रेड के मामले में मतलब कुछ है ही नहीं देखा जाए तो, बस SSD अपग्रेड कर सकते हो वो भी मैक्सिमम 1TB तक, दैट्स इट। और एक और चीज आपने इस इमेज में नोटिस की होगी, इसके अंदर डुअल फैन सिस्टम है। पहली बार किसी थिन एंड लाइट लैपटॉप में डुअल फैन सिस्टम मिलता है। अभी तक जितने मैंने रिव्यू किए हैं थिन एंड लाइट वाले, मैं कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं कहूंगा, सब में सिंगल फैन वाली हीट सिंक लगी होती है, इसके अंदर डुअल फैन है। और अभी आगे गेमिंग टेस्ट भी है, उसमें आपको टेम्परेचर भी दिख जाएंगे कितना बढ़िया थर्मल मैनेजमेंट है इसका। तो ये तो होगी लैपटॉप की पूरी बातचीत, अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस को लेके। पहले स्कोर्स बताता हूं आपको, सिनेबेंच R23 के अंदर आपको मल्टी कोर स्कोर मिलेगा 5197 और सिंगल कोर स्कोर 1282। सिनेबेंच 5 के अंदर मल्टी कोर 5283 और सिंगल कोर 1384। यार कसम से स्कोर्स आर रियली गुड, मतलब i5 11th जनरेशन के हिसाब से काफी बढ़िया सिंगल कोर और मल्टी कोर परफॉर्मेंस ये लैपटॉप निकाल के दे रहा है। इवन दूसरे i5 वाले लैपटॉप से भी अगर कंपेयर करते हैं तो बढ़िया स्कोर्स है इसके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सिर्फ स्कोर्स ही नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा इस लैपटॉप में क्या क्या कर सकते हो। 1080p की वीडियो एडिटिंग आप इसमें स्मूथली कर सकते हो, मैं खुद ट्राई कर चुका हूं, ऐसे नहीं बोल रहा। फोटोशॉप आप इसके अंदर चला सकते हो किसी भी लेवल तक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी वाला लैपटॉप यूजली कॉलेज के स्टूडेंट्स लेंगे या वर्किंग प्रोफेशनल्स लेंगे, तो कॉलेज वालों के हिसाब से बता दो कि कोडिंग वाला काम इसमें आप आराम से कर सकते हो। और मेरे को बहुत लोग बोलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो चला के दिखा दे करो, देखो मैं ओपन कर दूंगा एप्लीकेशन तुम्हारे सामने अगली बार से, पर मुझे पता ही नहीं उसके अंदर करना क्या है तो मैं एग्जैक्ट नहीं दिखा सकता ना कि वर्कलोड कैसे डाला जाए, लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जैसे इसकी सिंगल कोर और मल्टी कोर परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आप इसके अंदर ये वाले काम कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग या 3D मॉडलिंग के लिए लेना चाहते हो तो बहुत ही ज्यादा बेसिक वाली कर सकते हो, ज्यादा मतलब एडवांस लेवल की मत एक्सपेक्ट करना क्योंकि 8GB रैम है इसके अंदर, उसके बाद जो प्रोसेसर है वो भी i5 है
मैं सजेस्ट नहीं करूंगा उन लोगों के लिए। और अगर मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए लेना है, गाने सुनने हैं, म्यूजिक वगैरह के लिए, उसके लिए तो भाई तोहफा है लैपटॉप, आराम से ले सकते हो। डिस्प्ले बहुत ही जबरदस्त है, ग्लॉसी है, जो छोटा सा ड्रॉबैक मैंने आपको बताया, लेकिन मल्टीमीडिया कंटेंट देखने में भाई एक नंबर ही मजे हैं। डिस्प्ले बहुत जबरदस्त लगती है इसकी। और बात आती है मल्टीटास्किंग को लेके, तो मल्टीटास्किंग में भी बहुत जबरदस्त है। मैंने मल्टीपल टैब्स खोल के देखे क्रोम में, YouTube चला के देखा उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैब्स में, फिर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस खोल के देखी जैसे पावर पॉइंट, वर्ड वगैरह, उसके बावजूद भी लैपटॉप ने कोई लैग नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर डुअल फैन सिस्टम है तो पंखे तेज घूमने लगते हैं, तो उसके हिसाब से थर्मल मैनेज होते हैं और लैपटॉप कहीं भी लैग नहीं करता। और अगर बेसिक गेमिंग करनी है तो उसमें मैंने तीन गेम टेस्ट किए हैं, CS:GO हमने इसके अंदर टेस्ट किया है, Valorant हमने इसके अंदर टेस्ट किया है, और GTA 5। CS:GO को हमने लो सेटिंग्स पर टेस्ट किया था, और लो सेटिंग्स पर आप अपने सामने देख सकते हो 70-90 FPS इसके अंदर मिल रहे हैं हमारे को, और इसके अंदर 60Hz का पैनल है, तो 70-90 FPS में वही 60Hz वाले मजे आएंगे। अगर आप एक्सटर्नल मॉनिटर पे लगाओगे तो इतने FPS अचीव कर सकते हो आप, मतलब मजे ले सकते हो गेम खेलने के। और अगर आपका Valorant खेलने का मन करता है तो 100+ FPS लो सेटिंग्स पे ऑब्वियस सी बात है इतने तो मिल नहीं थे, और GTA 5 में भी 45-50 FPS लो प्लस मीडियम वाली सेटिंग्स पे हमारे को मिल रहे थे, तो इतना i5 से हम एक्सपेक्ट करेंगे। ओवरऑल परफॉर्मेंस लैपटॉप की बहुत सही है, और पतला दुबला लैपटॉप है, बैटरी बैकअप इसका बहुत जबरदस्त है, 54 Wh की बैटरी है। मैंने इसके अंदर बेसिक यूसेज करके देखा था, जैसे मल्टीटास्किंग हो गया, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, यूट्यूब वगैरह चलाना, और उसके अंदर मैंने स्क्रीन ब्राइटनेस को 50% पे कर दिया था, 2K पे ही रहने दिया था रेजोल्यूशन को, और कीबोर्ड बैकलाइट मैंने ऑफ कर दी थी, उसके अंदर मेरे को 7-8 hours का बैकअप मिला है बेसिक यूसेज में, तो बैटरी बैकअप के मामले में भाई एक तरफा। अब जनता के सवाल उठा लेते हैं, Asus K15 OLED versus this। अभी कुछ दिन पहले मैंने Asus K15 OLED का रिव्यू किया था, i5 11 जनरेशन था वो भी, उसके अंदर आपको 16GB RAM मिल रही थी, तो अगर आपने वो वाला रिव्यू नहीं देखा तो आप वो देख लेना। और अगर मैं बता दूं तो कहीं ना कहीं दोनों में कहीं खूबियां हैं, कहीं खामियां हैं, तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि हाँ, उसके अंदर OLED डिस्प्ले है, इसके अंदर IPS है, उसके अंदर 1080 है, इसके अंदर 2K है। बट सीरियसली मैं कहूंगा 2K की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जैसे कि हम 2K में गेमिंग नहीं कर सकते, हम 2K वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते, इतनी सी डिस्प्ले में 2K नहीं पता चलता, 1080p भी काफी साफ सुथरा दिखाई देता है, तो मैं कहूंगा डिस्प्ले में 2K की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक USP करके बेचा जा रहा है। अगर हम Legion को देखते हैं, Legion 5 Pro को देखते हैं, उसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड है, उसके अंदर हम गेम खेल सकते हैं, उसका प्रोसेसर पावरफुल है, तो 2K डिस्प्ले का फायदा आएगा वहां पे। इस लैपटॉप में 2K का क्या करेंगे हम? आप बताना मुझे क्या कर सकते हैं 2K डिस्प्ले का, जो शायद मुझे ना पता हो। तीसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो K15 के अंदर आपको थंडरबोल्ट 4 नहीं मिलता, इसके अंदर आपको थंडरबोल्ट 4 मिल जाता है, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर प्लस पॉइंट है जो इस प्राइस रेंज में मिल रहा है। लेकिन 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 रैम, उसके अंदर 16GB रैम है, इसके अंदर 8GB रैम है, तो आपको अपनी यूसेज के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको कैसे काम करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लैपटॉप चूज करो। दोनों की खूबियां, दोनों की खामियां बता दी डेडिकेटेडली, उसको अच्छा, इसको बुरा, इसको बुरा, उसको अच्छा नहीं कह सकते। देखा जाए तो वो अपने प्राइस रेंज के हिसाब से वो बढ़िया है, ये अपने प्राइस रेंज के हिसाब से ये बढ़िया है, और चॉइस आपकी है। फिर एक और मेन क्वेश्चन है, MiBook Ultra या फिर ये वाला, तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि MiBook Ultra मैंने अभी तक रिव्यू नहीं करा, वो रिव्यू करूंगा तभी बताऊंगा। बट इतना कह सकता हूं कि उसके अंदर 10300H प्रोसेसर मिलता है जो MiBook Ultra है, और H सीरीज के प्रोसेसर ऑब्वियसली जो U सीरीज के प्रोसेसर जो इन लैपटॉप्स में लगे हैं उससे बेटर होते हैं, तो वो लैपटॉप आएगा हमारे पास तो आपको बताएंगे कि वो लेना चाहिए या कैसा है, इसके कंपैरिजन में कैसा है, तो अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। और एक और सवाल कि ये लैपटॉप EVO सर्टिफाइड है, तो मैं कहूंगा नहीं, EVO सर्टिफिकेशन बहुत ही महंगे लैपटॉप्स में होती है। अगर i5 लोगे EVO सर्टिफाइड वाला तो 75-80,000 का हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर काफी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। हाँ, इसके अंदर थंडरबोल्ट का सपोर्ट है, बैटरी बैकअप अच्छा है, बट ये EVO सर्टिफाइड नहीं है। और एक और मेन चीज, वारंटी का क्या होगा? तो इसकी वारंटी रियलमी ही हैंडल कर रहा है, और 1 year की ऑन साइट वारंटी मिलेगी। कॉल करो, घर पे बंदा आएगा, पिकअप करना होगा पिकअप हो जाएगा, घर पे रिपेयर करना होगा घर पे हो जाएगा, तो वारंटी की कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपने शहर में देख लेना रियलमी की सर्विसेज कैसी हैं, क्योंकि सिटी टू सिटी वैरी करती हैं। मैं आपको काफी और बता चुका हूं पहले, मेरे को दो मेजर कौन लगे, रैम अपग्रेड को लेके। अगर रैम देनी थी 8GB वाली तो एक स्लॉट देना बहुत जरूरी था, 16GB तक हम कर पाते तो लैपटॉप थोड़ा ज्यादा फ्यूचर प्रूफ हो जाता, पहला ड्रॉबैक। दूसरा, मैं दो बार बता चुका हूं, तीसरी बार सुन लो, ग्लॉसी डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। तो भाई यही था रिव्यू, अब कंक्लूजन भी दे देता हूं। 53,000 का लैपटॉप है और i3 वाला 41,000 का है। जिस प्राइस रेंज में आते हैं और आपको कोई फालतू काम नहीं करने, बेसिक यूसेज के लिए लैपटॉप लेना है, मल्टीटास्किंग के लिए लेना है, मतलब मल्टीमीडिया के लिए लेना है, आंख पे पट्टी बांधो और ले लो। जितने पैसे ले रहे हैं उस हिसाब से जो चीजें डिलीवर कर रहे हैं, और कोई ब्रांड भाई इस टाइम पे तो नहीं कर रहा। अगर हम पुराने ब्रांड्स उठा लें जो पहले चलते आ रहे हैं, Asus, HP, Dell वगैरह, वो सब नहीं दे रहे ऐसी चीजें। तो समझदार आप हो, आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज बुरी लगी, लेना चाहिए नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाय करना हो बाय कर लेना। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना पहली बार आए हो तो, और हम मिलते नेक्स्ट। ज्यादा हो गया, बाय।